क्या हाल है भाई लोग। आई होप सभी लोग अपने अपने घरों में दंदन आ रहे होंगे। और एक बार फिर से आपका भाई इंडियन बॉय आप लोगों के लिए बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी का टीजर लेके आ गया है। लेकिन दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर काफी ज्यादा शानदार है, तो इस वीडियो को जरूर देखना है एंड तक। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों को साफ तौर पर बता सकता हूँ कि आखिरकार बॉलीवुड काफी समय बाद इंट्रोड्यूस करने जा रहा है एक शानदार मूवी जिसमें की लीडिंग एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। तो ये मूवी उस समय के ऊपर बनाई गई है जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। दोस्तों, बॉम्बे में डॉन तो बहुत थे लेकिन आपाएं बहुत कम थी। तो ध्यान से देखना ये मूवी क्योंकि काफी ज्यादा शानदार मूवी होने वाली है। ये स्टोरी पूरी की पूरी 1960s की है। तो आप लोगों ने मुंबई के रेड लाइट एरिया के बारे में जरूर सुना होगा। कमाठीपुरा उस एरिया का सबसे बड़ा सेंटर होता था। बस दोस्तों, यहीं से गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी शुरू हुई जो कि अब बॉलीवुड घरों में हमें दिखाई देने वाली है। अगर दोस्तों कास्टिंग की बात करी जाए तो पूरी की पूरी फिल्म में आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों, साफ तौर पर सारी की सारी फिल्म इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगी क्योंकि ये गंगूबाई काठियावाड़ी का रोल कर रही है एज ए मेन लीडिंग एक्टर। बात तो एक समय की है कि जहाँ पर गंगूबाई एक समय मामूली सी सेक्स वर्कर हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों अपनी मेहनत और लगन के चलते एक समय ऐसा भी आया दोस्तों, पूरा मुंबई एक तरफ, अगर कमाठीपुरा में किसी को एंट्री चाहिए तो उन्हें गंगूबाई की इजाजत लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों, हीरोइन की बात थी, अगर एक्टर की बात करी जाए फिल्म की शान बढ़ा रहे हैं अजय देवगन जो कि करीम लाला नाम के एक मशहूर गैंगस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। इनके हाथों पर गंगूबाई के नाम की राखी बंधी थी, वहीं से इनके किस्मत का खेल पलट गया। ये तो थे दोस्तों कास्टिंग के बारे में। अगर बताया जाए फिल्म बना कौन रहा है, वो है एक्टिंग के लव रोमांस के सबसे बड़े विलेन संजय लीला भंसाली। दोस्तों, इस चीज में तो शक की गुंजाइश बिल्कुल नजर आ ही नहीं रही है कि ये फिल्म 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। दोस्तों, इंतजार रहेगा तो बस इस फिल्म का थिएटर्स में रिलीज होने का। देखने वाली बात होगी आलिया भट्ट के फैंस और अजय देवगन के फैंस इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि ये मूवी आप लोगों को क्या लगती है, कितना कलेक्शन कर पाएगी। कि दोस्तों, आपका भाई इंडियन बॉय आपसे मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।